गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर थर्ड। फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट है, लास्ट क्लास हमने की थी, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आपका थर्ड चैप्टर है हाउस एंड हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, ठीक है। तो हमने कल ये स्टार्ट कर दिया, हमने इसमें क्या पढ़ा था, जो ये सनाया अपने विंडो से बाहर देखती है और कहती है थैंक गॉड अच्छा वो मैं बाहर नहीं गई, अदरवाइज मैं गीली हो जाती, नहीं तो मैं गीली हो जाती। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें जो हाउस है उसकी नीड क्यों है, हाउस हमारे लिए क्या क्या करता है। तो हाउस था जो वो हमें क्या करता है, बारिश से बचाता है, ठंडी से बचाता है, तूफान से बचाता है, और तो और जो चोर वगैरह होते हैं उनसे और एनिमल से बचाता है। तो हमने पढ़े थे जो हमारे हाउस हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरेज हाउस, ठीक है। तो कच्चा हाउस होता है जो जिस क्या होता है, ये ज़्यादातर विलेज में पाए जाते हैं और ये कच्चे होते हैं और ये लकड़ी वगैरह से बने होते हैं और ये मड के होते हैं। पक्का हाउस होते हैं, ये सीमेंट ब्रिक से बने होते हैं और आयरन यूज़ किया जाता है इसमें। और जो थर्ड आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, ये क्या होती है, ये एक एक फ्लोर में एक फैमिली रहती है, तो ये एक साथ छः 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 फ्लोर्स होते हैं और उसमें फैमिली भी डिफरेंट होती हैं। देन आपने पढ़ा था इग्लू, इग्लू क्या होता है, मतलब कोल्ड सी वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे ठंडा स्थान होता है, तो ये हमारे बर्फ़ से बनते हैं। फिर आता है हमारा कार्बन, ये क्या होती है, एक वैन टाइप होती है जिसमें रूम होता है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, और फिर वहाँ के लोग उस एरिया पे टेंट में रहते हैं, टेंट कार्नवस से बनता है। फिर हमारे आते हैं स्टिल्ट हाउस, जो केरला और कश्मीर वगैरह में पाए जाते हैं, ये बांस से, खोखले बांस से बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ वगैरह में इन घरों का कुछ ना बिगड़े, वरना बाढ़ के साथ मकान भी ख़त्म हो जाते हैं, इससे बचने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है अ गुड हाउस, एक अच्छा घर, ठीक है। सना सेज ईस्ट और वेस्ट माई हाउस इज़ द बेस्ट, जो सना है वो कहती है ईस्ट हो या वेस्ट माई हाउस इज़ द बेस्ट, मतलब मेरा घर सबसे अच्छा है, ठीक है, पूरब हो या पश्चिम, फिर वो बोलती है मेरा घर सबसे अच्छा है। तो अ गुड हाउस शुड हैव ऑल द थिंग्स वी नीड टू मेक आवर सेल्फ सेफ एंड कम्फर्टेबल, एक अच्छा हाउस वही होता है जिसमें हमारी सारी नीड्स की, हमारी ज़रूरतों की चीज़ उपलब्ध हो, आवश्यकता की चीज़ टाइम से मिल जाए, ठीक है। अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, एक अच्छे हाउस की जो फीचर्स हैं वो नीचे बताए गए हैं, एक अच्छे हाउस की क्या क्या ज़रूरतें वो बताई गई हैं। तो इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड विथ सफिशियंट विंडो एंड डेज, मतलब एक अच्छा घर हो वही होता है जिसके अंदर हवा आने जाने का मतलब अच्छा प्रबंध हो, वेल वेंटिलेटेड हो, विंडोज़ हो और डोर्स हो, विंडोज़ हो ताकि हवा आ सके और डोर्स हो ताकि हवा आ सके, ये इट शुड इवन इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर, और इसमें सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी आने का भी पूरा प्रबंध हो और फ्रेश एयर आने का भी, और सनलाइट किल्स जम एंड कीप्स द रूम ड्राई, जो सनलाइट होती है इसलिए आनी चाहिए रूम में क्योंकि ये जो सनलाइट होती है हमारे रूम में जो जम्स होते हैं उनको क्लीन करती है और रूम में जो वेटनेस आ जाती है ना, थोड़ी थोड़ी सी नमी आ जाती है रेनी सीजन में, उनको ख़त्म कर देती है सनलाइट। सेकेंड पॉइंट था इसका, द विंडो एंड डोर शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे, जो हमारे विंडोज़ होते हैं हमारे जो खिड़की और जो डोर्स, खिड़की और जो हमारे गेट होते हैं उनमें सदा वायरिंग ऐसी होनी चाहिए, जो तार होते हैं उससे ऐसा सही तरीके से जाल बनाया जाए जिससे हमारे जो फ्लाइज़ वगैरह होते हैं, मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह, अंदर देखा होगा आप लोगों के घरों में भी नेट लगा होता है, आजकल हमारे सभी घरों में नेट लगा होता है ताकि मच्छर मक्खी अंदर ना आ पाए, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए नेट लगा हुआ है विंडो पे, जाल बोलते हैं जैसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस, एक अच्छा घर वही घर है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम है, पानी जल निकास का प्रबंध हो रखा हो जिसमें से गंदा पानी जाने का अच्छा मतलब ड्रेनेज सिस्टम, जैसे ये है आपके पाइप वगैरह लगे हुए हैं ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी का जल निकास है ये, ठीक है। तो द ड्रेन कैरिंग वाटर फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम शुड बी प्रॉपरली, जो जल निकास है आपका किचन का, रसोई घर का और स्नान घर का बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से कवर होना चाहिए कि जो आपके मॉस्किटो है वो वहाँ तक ना पहुँच सके। द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लॉब्ड टू अलाउ वाटर टू फ्लो आउट ईजली, जो आपके फ्लोर पे है इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम लगाना चाहिए कि वहाँ पे आपका जो वाटर की सप्लाई है बिल्कुल प्रॉपर हो सके, फ्लो के साथ पानी जाए, ये नहीं कि रुक रुक के पानी जाए, इतना टॉप पे बना दिया इतना या फिर बिल्कुल ही नीचे बना दिया, तो मतलब ऐसे होना चाहिए जिससे पानी टाइम टू टाइम वहाँ पहुँचे।
तो आप ये देखिए, फिर आपके आते हैं MCQs। अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका सनलाइट किल्स। सनलाइट किसको किल करती है, अभी हमने पढ़ा था कि एक अच्छे हाउस की क्या क्या क्वालिटी होती है। उसमें सनलाइट अच्छे से आनी चाहिए, जो नेट होता है वो अच्छी तरीके से जाल लगा होना चाहिए खिड़कियों और विंडो में, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ का पानी का जल निकास अच्छा होना चाहिए। उसी में से ये है आपका कि सनलाइट आनी चाहिए। तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट क्यों आनी चाहिए हमारे रूम में, क्यों ज़रूरी है? ये जम्स को मारती है, इंसेक्ट्स को या रेट्स को। जम्स, सनलाइट किल्स जम्स। ओके फर्स्ट। फिर आता है आपका सेकेंड, द फ्लोर ऑफ द बाथरूम शुड बी, जो बाथरूम का स्लॉब, जो बाथरूम का हमारा फ्लोर होता है वो सदा कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। बताइए बाथरूम का प्लेन होना चाहिए, प्लेन हो गया तो आप फिसल जाओगे। थोड़ा स्लॉब्ड होना चाहिए, थोड़ा खुरदरा होना चाहिए, जिससे आप ना फिसलो और बिल्कुल पानी का जो सिस्टम है बिल्कुल सही से हो पाए, पानी बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है, और आप फिसले भी ना। और बोथ, तो हमें प्लेन नहीं चाहिए, ओनली हमें स्लॉब्ड चाहिए। फिर आता है आपका वायर नेटिंग कीप सबे, वायर नेटिंग कीप सबे, मतलब जो जाल है हमें, मतलब तारों का जाल होता है वो क्यों लगाना चाहिए, फ्लाइज से हमें सेफ करते हैं। वायर नेटिंग कीप सबे हमें किससे सेफ करते हैं, फ्लाइज से, मॉस्किटो से, बोथ से। तो हमारे यहाँ पे आएगा बोथ, क्योंकि ये दोनों ही जाल की वजह से अंदर नहीं आ पाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा यही था, हमने जाना गुड हाउस की क्वालिटीज़ क्या है। आपका होमवर्क है कि आपको पढ़ना है कि एक गुड हाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, वेल वेंटिलेटेड एंड सनलाइट आनी चाहिए। सेकंड था हमारा वायर नेटिंग होनी चाहिए उसमें। फिर था हमारा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो ये आपका 30.04 पे कंप्लीट है। चलो, थैंक यू।